पाकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट में हिस्सा लेने के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अब नई दिल्ली लौट आए हैं। एस जयशंकर ने शानदार स्वागत के लिए पाकिस्तान का आभार जताया। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच खाने की मेज पर अनौपचारिक बातचीत हुई है। भारत के किसी विदेश मंत्री का करीब एक दशक के बाद ये पहला पाकिस्तान दौरा था। इस दौरे पर पाकिस्तान और भारत दोनों ने एक दूसरे पर सीधा हमला बोलने से परहेज किया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जैसा बयान देंगे भारत का भी वैसा ही रुख रहेगा। आखिरकार पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ को भारत के आगे झुकना पड़ा और अपने उद्घाटन भाषण में कोई भी तीखा बयान उन्होंने नहीं दिया। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद आने से पहले साफ कर दिया था कि वे कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे। इसके बाद जयशंकर और पाकिस्तानी डेप्यूटी PM और विदेश मंत्री इशाक डार के बीच खाने की मेज पर बातचीत हुई। वहीं नवाज शरीफ ने SCO समिट शुरू होने से ठीक पहले एक इंटरव्यू में भारत से रिश्ते सुधारने की गुहार लगा दी। विश्लेषकों का कहना है कि नवाज शरीफ के अनुरोध और पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के तीखे बयान नहीं देने के बाद ये अनौपचारिक बातचीत संभव हुई। वहीं पाकिस्तानी अखबार ने कहा कि ये बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते में जमी बर्फ के पिघलने का पहला संकेत है। एक पाकिस्तान सरकार के सूत्र ने दावा किया कि शहबाज शरीफ ने जब कोई तीखा बयान नहीं दिया तो जयशंकर ने भी इससे परहेज किया। शहबाज शरीफ ने SCO चार्टर के मुताबिक भाषण दिया। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से सीमा पार आतंकवाद और संप्रभुता के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान दोनों को अप्रत्यक्ष तरीके से सुना दिया। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कश्मीर को लेकर काफी जहरीला बयान दिया था, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया था। यही नहीं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो से इतर जैसा कि वादा किया था अपने पूरे दौरे में गरिमापूर्ण व्यवहार किया। इससे पहले जब पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा में SCO की बैठक में आए थे तब उन्होंने भारत के खिलाफ जहरीला बयान दिया था। भारत ने भी जोरदार पलटवार करते हुए पाकिस्तान की पोल खोल दी थी। इसको लेकर पाकिस्तानी विश्लेषकों ने भी बिलावल की आलोचना की थी। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के रुख में ये बदलाव एक संकेत है और सकारात्मक घटनाक्रम है। हालांकि अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना होगा। शहबाज शरीफ और जयशंकर के बीच दूसरी बार हाथ मिलाने के दौरान भी गर्मजोशी दिखाई दी। इन सब के बीच अपने पाकिस्तान दौरे को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार का आभार जताया। उन्होंने एक दिवसीय दौरे के समापन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए उनको धन्यवाद कहा। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के विमान में सवार होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, इस्लामाबाद से प्रस्थान कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और पाकिस्तान सरकार को आतिथ्य और शिष्टाचार के लिए धन्यवाद। इससे पहले साल 2015 में भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया था। दिवंगत सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में उस समय शिरकत की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।